तो ये रियल लाइफ में कहां सुना था कि तुम में इतने छेद करेंगे? ये सर ये उन्हीं का डायलॉग था, हमारे डायरेक्टर साहब. मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि आपका डायलॉग दैट डायलॉग वो जो पादने वाला डायलॉग इज वेरी ऑकवर्ड. आई मीन इट्स नॉट अ लाइक आई जस्ट फील सो आई हैड टू डू दैट. I had to do all that stuff after that. But that film was a fantastic film. आजकल एक ट्रेंड बना है सोशल मीडिया पर, कोई भी फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ही बॉयकॉट बॉलीवुड चलने लगता है. फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का नाम, पोस्टर देखकर ही कैंपेन शुरू हो जाता है. सर ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है सर, अभी तो सोशल मीडिया पर चलता है. पहले मोर्चे आते थे घरों के बाहर और थिएटरों के बाहर. बट यू नीड टू, इट्स अट यू नीड टू हैंडल इट. हमारी एक फिल्म थी लव रात्रि, वो टाइटल था. दे हैड एन ऑब्जेक्शन ऑन दैट, सो दे सेड ऑल्सो वाई दे हैड एन ऑब्जेक्शन, बिकॉज यू नो इट्स अ फेस्टिवल, यू नो इट शुड नॉट लुक, यू नो दैट इट्स जस्ट यू डोंट मेक इट फ्रिवोलस. तो आई एग्री टू देम इन अ सेकंड. आई सेड लव यात्री चलेगा? इसे चलेगा. आई सेड लव यात्री दैट. So there's no, like Bajrangi Bhaijaan. So we went to the, very politely, the censor board said, yaar ye Bajrangi Bhaijaan, ye change kar do, you know. So I said, agar ye Punjab ja rahe hote, to ye hote Bajrangi Paji. Agar ye UP ja rahe hote, to hote Bajrangi Bhaiya. Agar ye Maharashtra aa rahe hote, to ye hote Bajrangi Bhau, you know. So, ये था. सो देन दे अंडरस्टैंड से ये पाकिस्तान जा रहे हैं तो ये बजरंगी भाई जान होंगे. सो दे अंडरस्टैंड अंडरस्टूड देन सेकंड एंड दे जस्ट गिव द गो अहेड. बजरंगी भाई जान को लोगों ने पसंद किया और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया. आपको लगता है कि एक्टिंग के लिहाज से आपकी वन ऑफ द बेस्ट? सर वो उसमें कोई एक्टिंग थी नहीं, क्योंकि वो फिल्म ही इतनी बढ़िया थी कि सेट पर पहुँचो और यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट. ये जैसे कि मैं जब मैं सूरज बड़जात्या साहब के साथ शूटिंग करता हूँ और जब उनके सीन्स आते हैं मेरे पास, तो मैं तो सोचता हूँ कि यार मैं, मुझे क्या हो गया यार, दिस गाय हैज़ गॉन प्योरर एंड प्योरर एंड आई एम जस्ट गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यू नो आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम दैट द नाइसनेस. और फिर हैंगिंग आउट विद सूरज बड़जात्या फॉर सम टाइम, फिर वो एक क्लीन अप शुरू हो जाता है. एंड देन लाइक आफ्टर बहुत समय के बाद आई डिड प्रेम रतन धन पायो विद हिम. वो मुझे टाइम लगा उस फिल्म के अंदर. ऐसा लगता है कि ये अच्छाई की ना, ये अभी फ्रॉड एक्टिंग हो रही है. आई हैव लॉस्ट दैट इनोसेंस इन मी. एंड देन स्पेंडिंग टाइम विद हिम एंड हियरिंग हिम टॉक, एंड बिकॉज ही इज सेम वे ओनली, ही जस्ट ग्रोन 1000 times, 1000 folds. अब जैसे कि ये फिल्म बजरंगी भाईजान, आई जस्ट थॉट इन बजरंगी भाईजान क्लाइमैक्स जो कि कबीर और मैंने बोथ और हम भूल गए. एंड राजा मोइली ऑल्सो पॉइंटेड आउट टू हिज फादर मिस्टर विजेंद्र प्रसाद के दैट विजुअल वॉज नॉट सपोज टू बी ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी. That last visual of that Muni going to the mother should have been Pawan's, should have been mine. Because out here, ke main chhod ke aaunga, main chhod ke aaunga, main chhod ke aaunga, main chhod ke aaunga. Aur end mein Nawazuddin ko dete hain ke ja tu chhod ke aa. Ab wo aisa hona chahiye tha us film ke andar. Picture to bahut badi hit hai. You know, I just feel that. वो अगर आ जाता उसके अंदर तो दिस फिल्म वुड हैव बीन के दैट इमोशन दैट ही सीज दैट द मदर एंड द चाइल्ड गेट टुगेदर एंड देन ही गेट शॉट, इट वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन एवर. तो ये कुछ फिल्में जहां आपकी मनमानी नहीं चली? हाँ सर, और पिक्चर भी अच्छी खासी चली, लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीजें होती तो वो और बड़ी हिट. संजय लीला भंसाली के साथ आप फिल्म करने वाले थे? जी सर, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह नहीं हुई, इंशाल्लाह कोई और पिक्चर हो जाएगी.
एक जो इमेज थी एक जमाने में सलमान खान ने अपनी बनाई थी बैड बॉय, वो इमेज आपने बदली है। सर बट नाउ देयर इज अ नाइस रिलेशनशिप, कि वो फोटोग्राफर्स आते हैं, दे टेक पिक्चर्स, दे सेल दोस पिक्चर्स, दे मेक मनी, आई गिव देम द पिक्चर्स, भाई इधर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, भाई राइट राइट राइट, भाई ऊपर ऊपर ऊपर, भाई भाई नीचे नीचे, भाई एक और बार, भाई 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 इधर उधर इधर, भाई भाई थोड़ा सा, भाई स्माइल, भाई भाई हो गया, थैंक यू आउट। सो आई डू दैट, देन आई आल्सो गो एंड इनटू देम, और वो भी मेरे साथ पिक्चर ले लेते हैं, तो आई डू दैट नाउ। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ यंग लड़के थे जो कि आज यू नो दे मैच्योर एंड देव रियलाइज द जर्नलिस्ट देव रियलाइज देयर मिस्टेक्स दैट दे गॉट इन वेरी कॉस्टिक, वो बड़े ही मीन हो गए थे उस वक्त और फैमिली लाइफ के अंदर, और यू नो अभी तो क्या होता है कि कुछ हो जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर 5 मिनट में आ जाता है बिफोर यू नो इट। उस वक्त ना हम 15 दिन टेंशन में रहा करते थे, 1 महीने टेंशन में रहा करते थे कि ये क्या छाप रहे हैं, अरे दैट यूज टू किल यू, दैट यूज टू किल यू। अब कुछ हो गया तो सर 30 सेकेंड्स 5 मिनट्स के अंदर आ गया सोशल मीडिया के ऊपर, अब वो टाइम ही नहीं मिला, आ गया, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं। अब वो दैट टेंशन के अंदर, अच्छा दिस दे राइटिंग अबाउट दिस अफेयर ऑफ माइंड, अब वो इस जर्नलिस्ट को कॉन्टैक्ट करो, उस जर्नलिस्ट को कॉन्टैक्ट करो, इसके थ्रू वो निकालो आर्टिकल, ये करो वो करो, दैट 1 month यू कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, इट यूज टू बी सो ड्रामेटिक, एंड दिस टू हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स, और बिकम फ्रेंड्स विथ पीपल एंड टेक आउट गॉसिप एंड यू नो राइट दीज थिंग्स, एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव रियलाइज दैट, एंड दे ऑल हैव सेड दैट यू नो वी वर यंग, वी वांटेड टू डू समथिंग, सो आई सेड बट यू डिड रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग, सो नाउ दे ऑल मैच्योर एंड दे ऑल ओके नाउ, बट वो टेंशन बहुत हुआ करता था उस वक्त कि गर्लफ्रेंड को पता चलेगा, और हीरोइनों के साथ ये टॉपिक, ये इट वाज वेरी मेस्ड अप, वेरी मेस्ड अप। काम को लेके इस बात की बहुत चर्चा है जो आपने कहीं कहा कि हम 5 लोग हैं, हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी नहीं छोड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे, सभी अपने अपने एक तरीके से, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर, सो वी विल ऑल डू आवर बेस्ट टू एंटरटेन यू पीपल एंड द बेस्ट सो दैट यू लुक एट अस एंड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हेल्थी एंड बी गुड। Even though we bleed, we hurt, घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, पीठ में दर्द है, पिट गए, नाक टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, लिगमेंट फट गया, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारे साथ, we will still give it our best till the very end. आपको हमारी तकलीफ भी आपको वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी, ये गारंटी, वो मेहनत दिखाई देगी, वो तकलीफ नहीं दिखाई देगी, बिकॉज वी विल डू इट स्माइलिंग, वी विल डू इट लाफिंग, वी विल टेक इट हेड ऑन। सलमान, ऐसा लग रहा है कि 9 साल पहले जिस सलमान को आपकी अदालत बुलाया था उसमें और आज सलमान में बहुत फर्क आ गया। I don't know, sir. Thinking, sir, आपने सवाल इतने अच्छे-अच्छे पूछे। अब इस साल is a war with myself, is an apology to myself for all the things that I've done. जब आप खुद apologize अपने आप से करते हैं और खुद एक war, एक संघर्ष पे जाते हैं अपने आप से, तो बाहर बहुत कम माफियाँ मांगनी पड़ती हैं आपको। और बस यही कि आई थिंक एवरीवन शुड जस्ट सी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, हर एक गलत चीज़ कम करो, हर एक अच्छी चीज़ को बढ़ावा दो। सलमान, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए,
फिर भी मैं गिल्टी हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, यू गाइस आर वंडरफुल. थैंक यू. डायरेक्टर कोई भी हो, फिल्म कोई भी हो, उसके काम के साथ इंटरफेयर करेंगे, फिल्म की स्क्रीन प्ले भी चेंज करेंगे, फिल्म के डायलॉग भी चेंज करेंगे, और फिल्म में डांस के जो स्टेप्स है वो भी सलमान खान तय करेंगे. सर, सच बोलूं या झूठ बोलूं? अब आपकी अदालत है, जनता सामने है, तो सच ही बोलना पड़ेगा. जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको चेंज करने का कोई मायना है नहीं, बट ऐसी भी कुछ चीजें होती जो कि अच्छी नहीं होती, तो उन्हें चेंज करना बहुत जरूरी होता है. एंड यस, मैं ही नहीं, हम सब करते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया है, वे खुद हैं. हमने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो खुद डायरेक्टर भी एक हेल्थी डिस्कशन के अंदर मान जाते हैं कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट नहीं है, और फिर हम भी जब वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि इस सीन के बाद ये सीन आएगा और ये गाना इसलिए ऐसा क्यों है, बिकॉज ये सिचुएशनल गाना है, तो हम भी मान जाते हैं. तो जो फिल्म मेकिंग है वो एक टीम वर्क के साथ होता है.